नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि हम अपनी विल पावर को बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प लिए किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं या किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो बहुत से लोगों ने ये लिखा है टीम को कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम लोग बहुत ही यू नो एवरेज या बिलो एवरेज फैमिली बैकग्राउंड से हैं और चार्जेस आप लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इवन और अगर हम नेट में ढूंढते हैं लोग आधे से ज़्यादा तो फ्रॉड मिल जाते हैं। तो क्या करें, कोई ऐसा उपाय बता दें दीदी, या कुछ रिकमेंड कर दें जिससे हम अगर उतना स्पेंड नहीं कर सकते तो किस तरीके से अपना इलाज कर सकें, हम कुछ तो हमें बेटरमेंट मिले, इसी बारे में आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक वीडियो हमारा है महाकाली वैदिक हीलिंग शेल्टर के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एनर्जाइज जेमस्टोन्स। इसमें हमने ये बताया है कि कितना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोई भी अंगूठी पहनते हैं या हम कुछ भी फॉर दैट मैटर यू नो पंडित के कहने पे कोई रिंग या पेंडेंट पहनते हैं, तो अगर उसको एनर्जाइज नहीं कराया हमने तो उसका कोई फ़ायदा है भी या नहीं है। तो अपने लाखों रुपए खर्च करके हम एक जेमस्टोन खरीद कर आते हैं, सोचते हैं कि इस ग्रह का हमने जेमस्टोन पहन लिया और वो ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, हमको बेनिफिट्स देना लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर एक एवरेज या सब्स्टिट्यूट भी लाया जाए उस जेमस्टोन का और उसको एनर्जाइज कराया जाए तो उसका क्या बेनिफिट है और क्या उसके मायने हैं, ये उस वीडियो में है, पहले उसे देख लेना। अब इस टॉपिक पे वापस आ जाओ। टॉपिक ये है कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। मंगल ग्रह जो है दैट इज़ मार्स इज एसोसिएटेड विद विल पावर एंड हनुमान जी ऑल्सो। तो अब करना क्या है, जो रेमेडी है कि मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है। मंगल को स्ट्रॉन्ग करने से ही हमारी विल पावर बेटर होती है और विल पावर में कहते हैं ना बढ़ोतरी आती है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, कोई जेमस्टोन की बात यहाँ नहीं हो रही है, सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है कि हनुमान चालीसा जो है उसको रोज़ अगर हम पढ़ें नहा के, उससे पहले हम एक सॉल्ट एक चम्मच सॉल्ट ले लें जो घर में नॉर्मल सॉल्ट होता है, और अगर रॉक सॉल्ट मिल जाए या हिमालयन सॉल्ट मिल जाए तो और भी बेटर। उसको एक बाल्टी में डाल के पहले नॉर्मल नहा लो, उसके बाद उसमें सॉल्ट से अपने आप को पानी डाल दो ऊपर से सर से, और उसके बाद ये हनुमान चालीसा पढ़ो 45 डेज, ये रोज़ करना है। बीच में अगर कोई भी ब्रेक हुआ तो दोबारा से तुम लोग को शुरू करना पड़ेगा, मतलब वो टूट जाएगा बीच में प्रोसेस। 45 डेज कंजेकटिवली इस चीज़ को करना ही करना है, और अगर टूट गया तो दोबारा से शुरू कर दो। साथ में लोग क्या गलती करते हैं कि हनुमान जी का तो चालीसा पढ़ लेते हैं लेकिन राम जी को याद करना भूल जाते हैं। मोस्टली हिंदूज को तो ये बात पता ही है कि हनुमान जी की कितनी ज़्यादा डिवोशन राम जी के लिए रही है, तो उनको तो वो हमेशा ही याद करते हैं। तो राम जी के नाम की भी कोई स्तुति पढ़ लो, कोई आरती कर लो साथ में हनुमान जी के साथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बजाय इसके बिना ये प्रोसेस अधूरा ही रहेगा, ये बात समझ लो सब, क्योंकि उसके बाद कंप्लेंट्स आनी शुरू होती हैं कि हमने ये चीज़ की थी क्यों नहीं हुआ सर, तो इसलिए नहीं हुआ सर। दूसरी बात, ऑरेंज कलर के जो कपड़े होते हैं सैफ्रन जिसको कलर हम बोलते हैं, और हनुमान जी की भी कई मंदिरों में देखी होगी कि मूर्तियां जो होती हैं वो ऑरेंज कलर में उनका सिंदूर से उनको सजाया जाता है, तो उस ऑरेंज कलर को मंदिर से जो टीका उसका होता है उसको रोज़ अपने माथे में यहाँ पर लगाओ। यहाँ नहीं लगा सकते अगर स्पेशली जो फॉरेन में लोग रहते हैं ओवरसीज़ कि ऑफिसेज में अलाउड नहीं है, तो यहाँ कानों के पीछे इधर राइट एंड लेफ्ट, पहले राइट कान के पीछे लगाओ एंड देन लेफ्ट ईयर के पीछे लगाओ, ये एवरीडे करो साथ में, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और कुछ भी ऑरेंज कलर का अगर तुम खा भी सकते हो इन द फूड आइटम, जैसे कोई दाल हो गई ऑरेंज कलर की अगर है तो वो खा सकते हो, ऑल दिस इज कलर थेरेपी जो साथ में तुम लोग करोगे तो ये बेटर ही होगा। और टीका मैंने बता दिया, सिंदूर मैंने बता दिया, और ज़्यादा हो सके साथ में कर सको तो एक दिया भी जला लो, और बस यही है, नॉनवेज और ड्रिंक नहीं खाना है, इससे दूर रहो क्योंकि उससे मार्स जो है वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो वो कर पाओ तो बहुत अच्छा होगा, बस यही। और इसके बावजूद अगर ये नहीं बदलता है तो तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प लेनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि इसमें बेटरमेंट ना आए। अगर तुमने सच्चे मन से किया है, अच्छे तरीके से हनुमान जी को याद किया है, ये सोच के याद किया है कि वो इसको बैलेंस आउट करें या बेटर करें या जो भी तुम्हारे मन में है, तो कुछ ना कुछ तो असर इसका होगा। मैं ये नहीं कह रही 100% ठीक हो जाएगा,
क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो करने पड़ते हैं, चाहे हमसे कराओ चाहे कहीं भी और से कराओ, लेकिन सबसे पहले खुद सेल्फ हीलिंग जिसको बोलते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बस ये करके देखना, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं यू कैन राइट टू द टीम। और फ़ोन मत किया करो, ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, उसके बावजूद जो है फ़ोन्स, क्योंकि वो जीमेल पे ही तुम लोग को जो है लिखना है, तो जीमेल को फॉलो करो या व्हाट्सएप में चैट में जो बुकिंग लगानी होती है उस पर किया करो। वहाँ पे थीसिस और स्टोरीज नहीं सुनानी है क्योंकि वहाँ बहुत क्यू में होते हैं लोग ऑलरेडी। ठीक है, बस इस हफ्ते के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक। टिल देन गुड बाय।